आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद दानिश लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी TMU में 18 अक्टूबर को MDS की छात्रा वैशाली चौधरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार छात्रा की मौत लटकने से हुई थी, जबकि इस मामले में दो डॉक्टर आशीष जाखड़ और समस्त जोरी के खिलाफ IPC की धारा 306 आत्महत्या को उकसाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार दोनों ही डॉक्टरों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है, लेकिन दोनों ही डॉक्टर फरार हैं और पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं कल दिनांक 26 अक्टूबर दिन मंगलवार को मृतक छात्रा वैशाली चौधरी के परिवार के लोग थाना पागबड़ा पहुंचे और पुलिस से अब तक की जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं इस पर बात की। इसी के साथ साथ वैशाली चौधरी के पिता प्रमोद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए जो बताया वह बात हर एक माँ बाप को सुननी चाहिए। जी हाँ, मृतक छात्रा के पिता प्रमोद चौधरी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को TMU में ना पढ़ाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मृतक छात्रा के पिता प्रमोद चौधरी का कहना है कि TMU का बहिष्कार करें, क्योंकि तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से अब तक लगातार साल दर साल आत्महत्याएं और मौतें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं शक की सुई TMU पर लटकती दिखाई दे रही है। लेकिन प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने अभी तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया है, जिससे कि TMU में हो रही मौतों और आत्महत्याओं पर अंकुश लग सके। कोरोना काल की अगर बात की जाए तो कोरोना काल में भी न जाने कितनी मौतें हुई, और उधर डराने वाली बात यह है कि लगातार जिस तरह से छात्राएं आत्महत्या कर रही हैं, इस पर एक बड़ा सवाल उठता है, जिस पर अभी तक प्रशासन की ओर से सख्त कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे कि सच सामने आ सके। उधर छात्रा वैशाली चौधरी की बात की जाए तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर छात्रा वैशाली चौधरी ने TMU में ही क्यों आत्महत्या की? आखिर क्या है उस बंद कमरे का राज, और क्या है सच जो अभी तक सामने नहीं आ पाया है? आखिर क्यों डॉक्टर वैशाली ने हॉस्टल का कमरा ही क्यों चुना आत्महत्या करने के लिए? क्या इसके पीछे कोई राज छुपा है? आखिर सच्चाई क्या है? क्या है आखिर सच्चाई, यह कहना तो खैर बहुत मुश्किल है। चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मृतक छात्रा वैशाली चौधरी के पिता प्रमोद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद चौधरी। जी, मृतक छात्रा के आप कौन है? मैं फादर हूँ, मैं बेटी थी। जी, तो क्या घटना हुई थी आप विस्तार से बताइए। घटना क्या थी, 18 तारीख को दोपहर 12:10 पर मेरे पास प्रिंसिपल कॉल गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। जी, उसके बाद? उसके बाद यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ बेटी फर्श पर लेटी हुई थी, और हमने तो पहले उतार लिया था कॉन्स्टेबल वालों ने, कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस जो भी चेसे भी करते देखते हैं, तो सिर्फ हमको तो न्याय चाहिए जो भी होता है। पुलिस जांच कर रही है, जांच के दायरे में भी जांच चल रही है पुलिस। अभी तक की जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं, क्या बताया? अभी तक की तथ्य यह आए हैं कि जो आशीष नाम का लड़का है उसके खिलाफ सबूत मिले हैं। किस चीज़ के सबूत मिले? सबूत तो यही जो भी चैटिंग वगैरह जो भी उनकी थी आपस में, ये तो ये बताएंगे पुलिस के पास, हमारे पास नहीं क्या मिला क्या नहीं। मैडम की रिपोर्ट के अनुसार क्या आप जानकारी है? पोस्टमार्टम हम क्या पढ़ सकते हैं उसको, तो कोर्ट पड़ेगा या डॉक्टर पढ़ेंगे, हमें क्या पता नहीं, हमको कुछ, हम अभी इस बारे में कुछ नहीं पता, हमको अभी हमको नहीं पता कुछ। अच्छा, ये जो FIR यहाँ पर दर्ज हुई है किन किन लोगों की हुई है? एक आशीष नाम का लड़का मैन हुई है, समर्थ मेरी बेटी का फ्रेंड था, अच्छा फ्रेंड में था, लेकिन जो मैन वो है आशीष ही है। अच्छा, तो अभी तक पुलिस ने उनसे बातचीत करी नहीं? पुलिस दबिश कर रही है, पुलिस कर रही है अपनी इंक्वायरी अच्छी तरीके से कर रही है। अब वो फरार है लोग? अभी अभी फरार है, पुलिस कब्जे से बाहर है, कब मिले अभी। अच्छा, अभी आप क्या चाह रहे हैं इस टाइम? तो जो सच्चाई मिले हमारे सामने, अपराधी पकड़ा जाए, सजा मिलनी चाहिए उसको। अभी आपकी पुलिस से जिनसे बात हुई है, किनसे बात हुई आपकी अभी? हमारे यहाँ पे इस बार बात SHO जो है यहाँ के, अच्छा योगेंद्र कृष्ण यादव जी, उनसे बात की। आज आप SSP साहब? हाँ, SSP साहब बात गए थे। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि जाँच निष्पक्ष होगी, सही तरह की जाँच होगी, इसमें जो भी दोष पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी।
आपको क्या लगता है कि पुलिस अपना काम? हाँ, हमको लगता है पुलिस अपना अच्छे तरीके से काम कर रही है। अच्छा, अगर हम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की बात करें हाँ, तो आपको उस पर कोई शक है या क्या? ये तो जांच का विषय है ना, ये तो इसे मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में। तो यहाँ हाँ होते हैं, यहाँ पर आज दिन में सुनता हूँ आत्महत्या होती रहती है इसमें। हाँ बिल्कुल होती रहती हैं, आत्महत्या सुना है मैंने भी, काफ़ी आत्महत्या इसमें होती रहती हैं एक तरीके से। या तो मैनेजमेंट का इसमें कुछ ना कुछ है फॉल्ट है, बाकी प्रशासन का या पुलिस कमी लगती है। और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं इस तरह की कोई घटना है मतलब? हाँ टीएमयू में ही मतलब, ये तो टीएमयू वाले बताएंगे सर, हम क्या बता सकते हैं इस बारे में, हमें क्या पता क्या लग रहा है कि टीएमयू में क्या बच्चे पढ़ाने लायक यूनिवर्सिटी है क्या? नहीं, मैं तो ये कहूँगा टीएमयू में कोई बच्चों को ना पढ़ाए, मैं तो यही कहूँगा। बिल्कुल टीएमयू के अंदर किसी बच्चों को भी नहीं पढ़ाना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि इससे बच्चा अपना मजदूर कर ले, अपने घर पर रहने तो करना बढ़िया है, मरने से क्या फ़ायदा? क्या बच्चे इसीलिए पढ़ाते हैं कि बच्चा मर जाए हमारा करके? यहाँ आपकी बात कितने टाइम पहले हुई थी उनसे? बेटी से हमारी 17 तारीख को रात को 8:30 बात हुई थी, 8:34 पर। क्या मानते हैं कि टीएमयू में कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई देती है टीएमयू यूनिवर्सिटी? क्योंकि जैसा अभी आपने ये भी कहा कि बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो इस पर आप किस तरह से प्रकाश डालना चाहिए? अब देखिए, जब आप बच्चे किस लिए भेजते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजते हैं ना, नहीं कि उनको मरने के लिए कि वहाँ जाए बच्चे, हम इतना पैसा खर्च करते हैं मेहनत करें, बच्चा भी मेहनत करे उसके बाद सुसाइड कर ले, तो क्या इसीलिए बच्चों को भेजते हैं? नहीं तो आपको कोई जानकारी दी थी इसमें या कोई? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, मैनेजमेंट की लापरवाही आपको नजर आती है? अब ये तो जांच का विषय, तो ये जांच होगी तभी पता चलेगा इस बात को, मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी बात हुई थी हाँ, तो उस टाइम कोई ऐसा नर्वस? नहीं, ऐसी कुछ नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल थी मेरी बेटी, बिल्कुल 17 तारीख की रात को ये बात हुई है, उससे बिल्कुल नॉर्मल हुई है। बात खिलाफ FIR हुई है जिनका भी आपने नाम बताया, तो आपकी बेटी ने कभी उनका जिक्र करा? हमसे कोई जिक्र नहीं करा उनको, हमको स्कूल में यानी यूनिवर्सिटी में आने के बाद नाम का पता चला, उर्वशी जैन के, उर्वशी जैन के थ्रू। एक लड़की थी, क्लोज फ्रेंड थी उसकी, BDS में पार्टनर भी थे और साथ में रहे थे, अच्छी क्लोज फ्रेंड थी, उसी के साथ उसी के थ्रू हमको पता चला बस। 17 तारीख की रात की बात पूरी बात बताओ ना। 17 तारीख की रात को वो ग्रैंड होटल, सब शाइन ग्रैंड होटल है, हम देखा भी नहीं तो कहाँ पर है वो, उसमें उसने उसको बुलाया, वहीं उनकी बातें हुई, उसके बाद में क्या हुआ हमको नहीं पता, क्योंकि आशीष ने बुलाया? नहीं नहीं नहीं, उर्वशी जैन ने, उर्वशी ने जी, उनके आपस में बात हुई? हाँ, फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड थी आपस में सर, आपकी बात होती है। जो होटल आप बता रहे हैं इसमें आपको जानकारी थी कि? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में, नहीं नहीं नहीं, हमारी जानकारी भी नहीं थी। आपने बेटी की डेड बॉडी देखी थी, उसमें क्या शरीर के अनुसार कुछ आपको कोई निशान? हाँ, शरीर की डेड बॉडी देखी थी हमने उसकी, लेकिन जब हम आए तो नीचे लेटी हुई थी वो, ठीक है नहीं, और उसमें एक घुटनों के नीचे करीब 3 से 4 इंच लंबा चोट था जिसपे ब्लड जमा हुआ था। अच्छा, हाँ वो ताजी चोट थी, वो ताजी मतलब ऐसे कि हाँ ब्लड जम गया था उस पर, क्योंकि हम तो कम अज कम सूचना मिली वो 12:10 मिली, और ये घटना है लगभग 11 बजे की, उसमें जैसे 11:30 बजे की हुई। आपको क्या लग रहा है जैसे चोट लगी है कि गिरने के कारण हुई होगी, क्या क्या स्थिति लगी? अब मैं क्या था पोस्टमार्टम बता सकता कि मैं क्या बता सकता इस बारे में, कैसे चोट लगी है तो मैं कुछ नहीं बता सकता इस बारे में। तो नहीं, आपकी कोई लगातार जैसे अपनी बच्ची से बात हो रही थी उसमें कोई कि आपस में मेरे फ्रेंड वगैरह से या किसी से कोई विवाद वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, कोई किसी से कोई विवाद नहीं था, किसी से कोई उसकी लड़ी थी बिल्कुल, उसका कुछ भी तो नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी एकदम बिल्कुल। हाँ, तो कुछ ही घंटे पहले आपकी? कुछ ही घंटे पहले क्या, नाइट को बात हुई थी हमारी 8:30 बजे करीब, 8:34 के आसपास बात हुई थी, माँ बेटी की बात हुई, मेरी हुई थी, अपनी मम्मी से बात की थी उसने, ठीक है नहीं, बस ऐसा कुछ नहीं यार, बिल्कुल हम नॉर्मल डेली बात होती थी, यही हुई थी, इसमें कोई नॉर्मल, ठीक है धन्यवाद। तो आपने छात्रा के पिता की बात सुनी, उनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है। तो उधर हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांशु जोशी ने कहा कि TMU का बहिष्कार करें, बच्चों को TMU में पढ़ने के लिए ना भेजें क्योंकि उनकी जान पर खतरा हो सकता है। साथ ही अध्यक्ष प्रांशु जोशी ने कहा कि 30 अक्टूबर को TMU के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तथा पुतले भी फूंके जाएंगे। आप भी सुनिए क्या कहा प्रांशु जोशी ने। आज हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा ने लड़की के वैशाली चौधरी के माँ बाप से माता पिता जी से मिले, और अब हम लोग यही एक भारतवासियों से निवेदन करेंगे हिंदुस्तान से कि TMU का विरोध किया जाए तत्काल प्रभाव से, और TMU में अपने बच्चों को ना पढ़ाया जाए, और 30 तारीख को हिंदू समाज पार्टी TMU का खुल के विरोध करेगी और पुतले फूके जाएंगे। सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग TMU पे 30 तारीख को मिलने की कृपा करें। हम इस खबर के माध्यम से सच को जनता के सामने लाना चाहते हैं, अगर कोई इसमें दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
और जो सच्चाई है वह सबके सामने आनी चाहिए। मृतक छात्र के पिता का भी यही कहना है और अध्यक्ष प्रांशु जोशी का भी यही कहना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।